हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट अपने तरफ से जरूर दिखाओ यार। स्टूडेंट और एग्जाम एनालिसिस में हम अगला एनालिसिस है मैथ्स का लेके आए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता के रखा था। स्टूडेंट मैथ्स जिसको आता है ना स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं MHT CET में एक मतलब 95 अबव परसेंटाइल आराम से ला देगा, जिसका मैथ्स पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैथ्स में एनालिसिस ये लिखा है कि पेपर जो था मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, तो लेवल की बात ये हो गई। किस में से सवाल पूछा गया था, मैंने पहले ही बता के रखा था स्टूडेंट, इंटीग्रेशन और लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक एक सबसे इजी चैप्टर होता है मेरे को लग रहा है पूरे मैथ्स का, क्योंकि उसके सवाल जो है कोई भी स्टूडेंट आराम से बना लेता है। ठीक है, तो उस पे से आपको देख मैं बता दूँ, वेटेज मतलब एग्जाम में मैथमेटिकल लॉजिक को भी वेटेज दिया था और इंटीग्रेशन को भी वेटेज दिया था। अब आप बताओ, इंटीग्रेशन को भी वेटेज था और मैथमेटिकल लॉजिक को था, पर इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको 4-5 दिन लगेगा और मैथमेटिकल लॉजिक आप 1 या 1.5 दिन में कंप्लीट कर दोगे, तो दोनों में वेटेज था। तो देख सकते हो, इसको ज़रूर कंप्लीट कर देना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, और भी एनालिसिस लेके आता रहूँगा। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।